हेलो बच्चा पार्टी। तो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, हैविंग फन। बट आज हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। एक अच्छा सा रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है हमको इसमें। तो सबसे पहली बात, अल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ और सिर्फ उन एल्डिहाइड या कीटोन्स में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं बच्चे? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने जरूरी हैं। तो क्या होता है? सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब कि यहाँ से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, -H2O। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब कि पानी जो है उस कंपाउंड में से बाहर निकल जाएगा। ऑल राइट, तो फर्दर क्या चाहिए होता है अपने को? बेसिक मीडियम चाहिए होता है। इसीलिए इन प्रेजेंस ऑफ आइदर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर BaOH होल ट्वाइस या फिर Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट हम लोग यूज़ करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। और बनता क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू टुक एल्डिहाइड और कीटोन। ऑल राइट, तो चलो जल्दी से ना हम इसको समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले से हमने कंपाउंड लिया इथेनल, जो कि होता है CH3CHO। ये है हमारा इथेनल या फिर एसिट एल्डिहाइड। ऑल राइट, तो सबसे पहले देखो जो यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है बच्चे? एल्डिहाइड है। राइट, अब इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साथ वाला जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पोजीशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? अल्फा पोजीशन। तो इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साथ वाला जो कार्बन है उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो इन दिस कंपाउंड इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एल्डिहाइड भी है, यानी कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है। इसमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फर्दर इसका मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो सबसे पहले सी हमारे पास यहाँ पर है हमारा कौन? एल्डिहाइड, जो कि हमने यहाँ पर लिया है इथेनल, जो अभी हमने डिस्कस किया था, यानी कि एसिट एल्डिहाइड। ऑल राइट, तो अगर आप इसको देखें तो आप क्या कह सकते हैं? तीन अल्फा हाइड्रोजन है और जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ऑल राइट, तो जब आप इसको डाइल्यूट एल्कली, यानी कि से जब आपने इसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराया, जब आपने इसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर OH नेगेटिव जो है, NaOH में जो OH नेगेटिव है वो एज अ बेस की तरह काम करेगा। किसकी तरह? एज अ बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, और अपने को क्या पता है कि जो यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तीन तो नहीं, हम यहाँ पे इसको एग्जैक्टली एक को अलग करके लिख लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको हमने कर दिया CH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अलग से दिखा दिया ताकि जो हमारा मैकेनिज्म का प्रोसेस है वो थोड़ा इजी लगे। ठीक है, अब जो ये OH नेगेटिव है यहाँ पर, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव को दे देगा, इस H पॉजिटिव को दे देगा। ठीक है, और जो ये वाला बॉन्ड है वो फर्दर इस कार्बन के ऊपर जा करके शिफ्ट हो जाएगा। राइट, तो देखो जो अपने पास बचेगा या यू कैन से जो अब बनेगा वो क्या बनेगा? इट विल बी CH2-, इट विल बी CH2-, CHO, सिंपली लिख देते हैं इसको CHO। ऑल राइट, अब हमने देखो कहा था कि व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री करा देते हैं हमारे अगले मॉलिक्यूल की। तो इसको भी लिख लेते हैं, चलो CH3CHO, CH3CHO।
ये हमने लिख दिया करेक्ट। अब देखो जो ये CH2 नेगेटिव CHO बना था ये कार्बन आयन है, ये क्या है बच्चे कार्बन आयन है एंड इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह एक्ट करता है बच्चे, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो यानी कि एक पॉजिटिव सेंटर को ढूंढेगा। अगर आप इस कंपाउंड को, सेकेंड वाले कंपाउंड को अगर आप देखें तो अपने को पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, सो दैट जो ये वाला कार्बन है इसके ऊपर कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एज अ रिजल्ट ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये जो हमारा कार्बन आयन यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के ऊपर जाके ऐसे रिएक्ट करेगा और ये दोनों यूनिट्स इस कार्बन के थ्रू अटैच हो जाएंगे। तो चलो इनको अगर अटैच किया जाए, अगर इनको फर्दर अटैच किया जाए तो देखते हैं कि अपने पास क्या बनेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, तो चलो सिंपली सबसे पहले इस वाली यूनिट को एज इट इज लिख लेते हैं। फर्दर वन मोर थिंग, सिंस अगर ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर अटैक किया है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं, जो ये वाला डबल बॉन्ड है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी कि अपने पास बचा क्या क्या है इन सबको अटैच करके, जब ये इस कार्बन के थ्रू अटैच कर जाएगा तो देखो सबसे पहले इसी वाली यूनिट को लिख रहे हैं, दैट इज CH3C, यहाँ पर ओ नेगेटिव हो जाएगा, ये यहाँ पर दिस विल बिकम ओ नेगेटिव। आगे अगर देखा जाए तो CH साथ में लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब इसी कार्बन के थ्रू ये वाली यूनिट अपने को लगानी है तो वी कैन सिंपली से दैट दिस विल बी CH2CHO। ये कंपाउंड बन गया अपने पास, ये कंपाउंड अपने पास बन गया। आई होप अभी तक कोई परेशानी नहीं होगी। फर्दर अगर देखा जाए तो चलिए देखते हैं। आपने डाइल्यूट NaOH लिया था यानी कि आपके पास पानी भी प्रेजेंट था। पानी कैसे प्रेजेंट होगा, से दिस वॉज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये रहा हमारा पानी। ठीक है, अब देखो जो ये H पॉजिटिव है ये इस O नेगेटिव पर अटैक करेगी, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाएगा। तो देखो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है, वो क्या होगा, इट विल बी CH3CH, यहाँ पर ये बन जाएगा बच्चे OH एंड फर्दर इट विल बी CH2CHO। अब देखो अगर अब आप इस कंपाउंड को देखोगे, अगर आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें देखो एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और इसके पास एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, राइट। एल्डिहाइड वाला ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो अगर बात की जाए इस कंपाउंड की नेमिंग की, तो देखो सिंस एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसके लिए हमने लगा दिया ALD, एल्ड, और एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल, तो यहाँ पर हमने लगा दिया बच्चे ऑल, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया ऑल। तो देखो ये क्या बन गया, एल्डॉल बन गया, ये क्या बन गया, एल्डॉल बन गया। अगर इसकी जगह एल्डिहाइड की जगह बिगिनिंग में हमने कीटोन लिया होता तो इसको हम एल्डॉल की जगह कीटॉल बोल देते, एल्डॉल की जगह क्या कह देते, कीटॉल कह देते। अब देखो अभी तक तो सिर्फ अल्डॉल फॉर्मेशन हुई है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ अल्डॉल फॉर्मेशन हुई है। अगर अब आप फर्दर इस कंपाउंड को हीट कर देंगे, क्या कर देंगे तो क्या होगा, बताइए तो क्या होगा। ये जो हमारा, लेट्स सी नाउ, कंडेंसेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, कैसे चलिए देखते हैं। जो यहाँ पर CH2 लिखा था इसको हमने लिख दिया कुछ ऐसे, CH और AH हमने लगा दी यहाँ पर, कंडेंसेशन होगी, क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन का मतलब है कि यहाँ से पानी निकल जाएगा और किस पोजीशन से निकलेगा, अल्फा और बीटा पोजीशन से निकलेगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो पानी है H2 ये निकल जाएगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू,
चलो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाएगा, इट विल बी CH3CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, पानी हमने हटा दिया, माइनस H2O एंड इन द एंड CHO एंड इन द एंड CHO। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या है बच्चे, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और इस कंपाउंड को हम लोग ईन एल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईन एल। ईन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एल बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड वाला ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया हमारा मैकेनिज्म। ये तो बच्चे हमने क्या डिस्कस कर लिया, पूरा मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब चलो इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो देखो, हमने जो कंपाउंड लिया था वो था सिंपली इथेनल, यानी कि CH3CHO। तो इसमें आपको क्या करना है, दिस इज योर CH3CHO। आपको पहला कंपाउंड लेना है, पहला मॉलिक्यूल लेना है, इस कंपाउंड का पहला मॉलिक्यूल लेना है। सिंस अल्डोल कंडेंसेशन है, यानी कि आपको अल्टीमेटली पानी को बाहर निकालना है, माइनस H2O, तो आप क्या करो, दो हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन को अलग से रिप्रेजेंट कर दो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, CH, और यहाँ पर इसके ऐसे दो हाइड्रोजन अलग से लगा दिए हमने, यहाँ पर ऐसे इसके दो हाइड्रोजन अलग से लगा दिए। अब ले लेते हैं दूसरा मॉलिक्यूल, दो एच हो गए, अब ऑक्सीजन को लगाना है। तो देखो, आप इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो, COH, ये हो गया एल्डिहाइड वाला ग्रुप, और आगे आपने लगा दिया CH3, आगे आपने क्या लगा दिया बच्चे, CH3 लगा दिया। अब यहाँ से आप H2O को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से आप सिंपली H2O को बाहर निकाल दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रिक की, मैकेनिज्म तो फॉलो कर लिया, मैकेनिज्म तो हो गया, अब बात आती है ट्रिक के बारे में। तो चलो, सिंपली आपने क्या किया, H2O को बाहर निकाल दिया, तो देखते हैं आपके पास बचेगा क्या। सो यू विल बी लेफ्ट विद, देखिए CHO ये आ गया यहाँ पर, CH दो बॉन्ड यहाँ से गए हैं, दो बॉन्ड यहाँ से गए हैं, तो अब सिंपली इन दोनों को अटैच कर देंगे बाय यूजिंग अ डबल बॉन्ड। और फर्दर दिस विल बी CH3 एंड हियर इट विल बी H एंड हियर इट विल बी H, या फिर आप इसको यहीं पे लगा दीजिए, इसको आप कह दीजिए CH CH3। तो देखो, सिंपली आपका वही कंपाउंड आ गया जो पहले बना था, देख लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, आ गया वही का वही कंपाउंड, राइट। तो अब सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट में, यहाँ पर तो हमने क्या लिया था बच्चे, यहाँ पर हमने लिया था इथेनल, ये हमने क्या लिया था बच्चे, इथेनल लिया था। अब फटाफट से कीटोन को भी लेकर के देख लेते हैं, एंड दैट वुड बी इट फॉर टुडे। सो चलो, हम क्या करते हैं, हमारा कीटोन ले लेते हैं। आपकी बात से आपने लिया CH3CO CH3 CH3, लेट्स राइट इट अगेन, CH3CO CH3। ठीक है, अब इसके पास दोनों ही साइड पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन इसको आपने से कर दिया CH, और इसके दो हाइड्रोजन इसे अलग से दिखा दो CH3। ठीक है, और नीचे वाले कंपाउंड के लिए ऑक्सीजन चाहिए अपने को, तो यू कैन राइट इट एज CO, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, राइट। तो अब देखो, वापस से आपको क्या करना है, इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दीजिए, तो चलिए देखते हैं इसको बाहर निकाल के कि अपने पास क्या बचेगा। सो वी विल हैव लेट्स राइट, इन दोनों कार्बन को अब अपने को ज्वाइन करना है। तो देखो, सबसे पहले ये वाली यूनिट अगर लिखी जाए, सो वी विल हैव CO
CH3, ये तो आ गया बच्चे एज इट इज, ये तो आ गया बेटा एज इट इज। आगे CH, ये वाला CH, ये वाले बॉन्ड्स को अपने को हटाना है। CH डबल बॉन्ड C, CH3 और एक CH3 आ जाएगा यहाँ पर, एक CH3 आ जाएगा यहाँ पर। तो दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। कैसे? पहले आपने क्या किया बेटा, अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात हो रही है तो पहला जो रिएक्शन रहा होगा वो क्या होगा कि आपने डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराया होगा, और सेकेंडली आपने इसको हीट किया होगा, सेकेंडली आपने इसको हीट किया होगा। ऑल राइट, लेट्स राइट इट अगेन। सेकेंड में आपने क्या किया होगा, इसको हीट किया होगा, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस आर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।